हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी की कक्षा में आपका स्वागत है। ठीक तो बेटा, कल अपन ने स्टार्ट किया था पादप जनन की विशिष्ट विधियाँ, और इसमें मैंने आपको बहुभ्रूणता के बारे में बताया था। ठीक है ना? तो आपने कल क्या पढ़ा था? एक तो आपने पढ़ा था कि बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, ठीक है, और आवृत बीजी पादपों में बहुभ्रूणता उत्पन्न होने के कारण। तो उसमें अपन ने सबसे पहला प्रकार पढ़ा था विदलन बहुभ्रूणता। कौन सा? विदलन बहुभ्रूणता। तो उसी से संबंधित पहले दो प्रश्न अपन हल कर रहे हैं, है ना। तो आज जो अपन प्रश्न सबसे पहले पढ़ेंगे वो है यूलोफियन। ये एक पादप का नाम है बेटा। यूलोफिया नामक ऑर्किड में बहुभ्रूणता के कारण, ठीक है, ये बोर्ड के एग्जाम में आ भी चुका है। ठीक है ना? तो आपको ध्यानपूर्वक समझना है ना। तो देखिए, मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बेटा, इसमें आपको तीन पॉइंट पढ़ने हैं। कितने? तीन। देखिए, पहले पॉइंट में एक बार मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ, बोलता भी चलता हूँ, फिर आपको एक साथ दोबारा तीनों के तीनों पॉइंट बता दूँगा। देखो, युग्मनज में अनियमित कोशिका विभाजन होते हैं। युग्मनज में अनियमित कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप कोशिकाओं का एक पिंड निर्मित हो जाता है। युग्मनज में अनियमित कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप कोशिकाओं का एक पिंड बन जाता है। सुन लिया? आगे चलिए। इस पिंड की निभागी सिरे वाली कोशिकाएं, निभागी सिरे वाली कोशिकाएं विकसित होकर भ्रूण बनाती हैं। तो बेटा, एक पॉइंट तो आपको इसमें यह बोलना पड़ेगा, ठीक है, कि युग्मनज में अनियमित कोशिका विभाजन के द्वारा कोशिकाओं का एक पिंड निर्मित होता है, और कोशिकाओं के इस पिंड की निभागी सिरे वाली कोशिकाएं विकसित होकर विभिन्न भ्रूणों का विकास करती हैं। पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरे पॉइंट पर आइए। प्राक भ्रूण से कलिका अथवा प्रवर्द विकसित होते हैं, ठीक है ना। प्राक भ्रूण से कलिका अथवा प्रवर्द विकसित होते हैं, और यही कलिका अथवा प्रवर्द आगे जाके भ्रूण का विकास करते हैं। ये दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट पर आ जाइए। प्राक भ्रूण शाखित हो जाता है, शाखित है ना, और प्रत्येक शाखा एक नए भ्रूण के रूप में विकसित हो जाती है। नए भ्रूण के रूप में विकसित हो जाती है। इस प्रकार के भ्रूण को तंतुमय भ्रूण भी कहते हैं। तो बेटा, ये मैंने आपके सामने आपके प्रश्न का आंसर लिख दिया, ठीक है ना। तो ध्यानपूर्वक आप इस प्रश्न के आंसर को सुने, मैं बता रहा हूँ। देखिए, आपने आज जो पहला प्रश्न लिखा है वो क्या है कि यूलोफिया नामक ऑर्किड में बहुभ्रूणता किस कारण से उत्पन्न होती है, या इसको आप यूँ भी बोल सकते हैं, यूलोफिया नामक ऑर्किड में बहुभ्रूणता के प्रकार लिखिए।
या किस प्रकार से उत्पन्न होती है। तो बेटा उसमें आपको ये तीनों के तीनों पॉइंट लिखने पड़ेंगे। ये जो प्रश्न आप पढ़ रहे हैं ये बोर्ड के एग्ज़ाम में आ चुका है, 2 नंबर का प्रश्न, ठीक है ना, और वापस रिपीट भी हो सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है बेटा ये, ठीक है। अब सुनो आप, देखो यूलोफिया नामक ऑर्किड में बहुभ्रूणता उत्पन्न होने के निम्नलिखित कारण हैं, या निम्नलिखित प्रकार से यूलोफिया नामक ऑर्किड में बहुभ्रूणता उत्पन्न होती है। तो पहला प्रकार सुनिए, फर्स्ट तरीका, युग्मनज में अनियमित कोशिका विभाजन के द्वारा कोशिकाओं का एक पिंड विकसित होता है, ठीक है ना। इस पिंड की निभागी सिरे वाली कोशिकाएं विकसित होकर भ्रूणों का विकास कर देती हैं। पहला पॉइंट हो गया, अब दूसरे पॉइंट पर आइए। प्राक भ्रूण से, प्राक भ्रूण आप जान गए होंगे किसको बोलेंगे, प्रारंभिक भ्रूण को। प्राक भ्रूण से कलिका अथवा प्रवर्द विकसित होते हैं, ठीक है, यही कलिका अथवा प्रवर्द आगे जाके भ्रूण का विकास करते हैं, ठीक है। एंड तीसरे में क्या बोलोगे, कई बार यूलोफिया नामक ऑर्किड में प्राक भ्रूण शाखित हो जाता है और इसकी प्रत्येक शाखा एक नए भ्रूण के रूप में विकसित हो जाती है। बैठ गई आपके समझ में। तो बेटा ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि यूलोफिया नामक ऑर्किड में बहुभ्रूणता किस प्रकार उत्पन्न होती है, या यूलोफिया नामक ऑर्किड में बहुभ्रूणता उत्पन्न होने के कारण बताइए, ठीक है ना। तो आपको इसमें ये पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे आइए, समझ में आ गया होगा सबके। वैसे आपसे मैं पूछता हूँ, बहुभ्रूणता किसे कहते हैं बेटा, एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों का पाया जाना बहुभ्रूणता कहलाता है, क्लियर। अब अपन अगला प्रश्न पढ़ते हैं, देखो बहुभ्रूणता का महत्व, किसका महत्व पढ़ रहे हैं अपन बेटा, बहुभ्रूणता का, ठीक है ना। तो देखो इसके महत्व को अपन 3 बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले बोर्ड पे मैं एक शब्द लिख रहा हूँ, बीजांडकायी भ्रूण, ठीक है ना। तो पहले और दूसरे पॉइंट तो महत्व के ये हो जाएंगे इससे संबंधित, सुन लिया। फिर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अगुणित भ्रूण, तीसरे एवं चौथे इससे हो जाएंगे, और पांचवे पॉइंट के लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा कायिक भ्रूण, ठीक है ना। तो आप ध्यानपूर्वक सुनें, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, बीजांडकायी भ्रूण, ठीक है। बीजांडकायी भ्रूण से विकसित पादप, ध्यान से, बीजांडकायी भ्रूण से विकसित पादप मात्र पादप के समान होते हैं तथा अधिक ओजपूर्ण होते हैं। तो ये तो इसका पहला पॉइंट हो गया बेटा, ठीक है। दूसरा शब्द मैं क्या लिख रहा हूँ, रोग मुक्त पादप। तो अब कैसे बोलोगे आप 2 पॉइंट बेटा, सुनिए। बहुभ्रूणता की क्रिया द्वारा बीजांडकायी भ्रूण विकसित होते हैं, और बेटा बीजांडकायी भ्रूण से विकसित पादप मात्र पादपों के समान होते हैं तथा अपेक्षाकृत अधिक ओज पूर्ण होते हैं। ओज पूर्ण का मतलब होता है उत्कृष्ट लक्षणों वाले,
इसका मतलब है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट कैसे बोलोगे, बीजांडकायी भ्रूणों से रोगमुक्त पादपों का विकास किया जा सकता है, ठीक है। वैज्ञानिकों ने बीजांडकायी भ्रूणों का उपयोग करके नींबू के रोगमुक्त पादप विकसित किए हैं, ठीक है बेटा। अब आप आ गए अगुणित भ्रूण पर, तो वही कहोगे कि बहुभ्रूणता के द्वारा अगुणित भ्रूणों का विकास किया जाता है। अगुणित भ्रूण कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी होते हैं। एक पॉइंट हो गया, मतलब तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट में आप बोलोगे कि अगुणित भ्रूण से कोल्चिसिन उपचार द्वारा संयुग्मजी वंशावली उत्पन्न की जा सकती है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और सबसे लास्ट में क्या लिखा है, कायिक भ्रूण, इसके सामने मैंने लिख दिया कृत्रिम बीज, बस। तो देखो आपका प्रश्न क्या है बेटा, मैं बोलता हूँ, आपका प्रश्न ये है, आपका प्रश्न ये है बेटा कि बहुभ्रूणता किसे कहते हैं और इसका महत्व लिखिए। तो कैसे आप इसका आंसर देंगे, सबसे पहले तो बोलेंगे आप बहुभ्रूणता की परिभाषा, ठीक है। क्या बोलेंगे परिभाषा में, आप बोलेंगे बेटा इसमें, ध्यान से सुनना, देखो एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों का पाया जाना बहुभ्रूणता कहलाता है। अब इसके महत्व की चर्चा करते हैं। देखिए बहुभ्रूणता की क्रिया के द्वारा बीजांडकायी भ्रूण विकसित किए जाते हैं, ठीक है ना। और बेटा पहला पॉइंट चल रहा है बीजांडकायी भ्रूणों से विकसित पादप मात्र पादपों के समान होते हैं और अपेक्षाकृत अधिक ओजपूर्ण होते हैं, यानी कि उत्कृष्ट लक्षणों वाले होते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट पर आइए, बीजांडकायी भ्रूणों का उपयोग करके रोगमुक्त पादपों का विकास किया जा सकता है, ठीक है। वैज्ञानिकों ने बीजांडकायी भ्रूणों का उपयोग करके नींबू के रोगमुक्त पादप तैयार किए हैं, ठीक है। कितने पॉइंट हो गए महत्व के, दो। तीसरे पॉइंट पर आइए, बहुभ्रूणता की क्रिया द्वारा अगुणित भ्रूण उत्पन्न किए जाते हैं, ठीक है ना। तो तीसरे पॉइंट में अपन क्या बोल सकते हैं कि अगुणित भ्रूण कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी होते हैं। चौथे पॉइंट में बोल सकते हैं कि अगुणित भ्रूणों से कोल्चिसिन उपचार द्वारा संयुग्मजी वंशावली उत्पन्न की जा सकती है, ठीक है, समझ में आ गया। लास्ट पॉइंट पर आ जाइए, बहुभ्रूणता की क्रिया के द्वारा उत्पन्न कायिक भ्रूण कृत्रिम बीजों के निर्माण में सहायक होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका प्रश्न नंबर दो भी बिल्कुल पूरा हो गया। तो यहाँ आके बेटा जनन की एक विधि, कौन सी, जिसे अपन कल से पढ़ते चले आ रहे हैं, बहुभ्रूणता पूरी तरह से खत्म हो गई, ठीक है। अब अपन जनन की दूसरी विधि के बारे में पढ़ेंगे, जनन की दूसरी विधि, है ना। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं ऊतक संवर्धन के बारे में। और बेटा ऊतक संवर्धन के बारे में आप छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, फिर भी आप ध्यानपूर्वक समझ लें। देखो मैंने एक ये पात्र लिया बेटा, क्या लिया ये पात्र,
तो इस पात्रे को तो मैं पात्रे कह देता हूँ, ठीक है। इस पात्र के भीतर मैंने उचित पोषक माध्यम, उचित पोषक माध्यम ले लिया, ठीक है ना। अब इसके भीतर ये मैंने कर्तो तक ले लिया बेटा, ठीक है ना। अब मेरी परिभाषा सुनो आप, ऊतक संवर्धन किसे कहते हैं, है ना। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, टिश्यू कल्चर। ये पादप जनन की दूसरी विशेष विधि है। और बेटा इस पाठ में अपन को केवल ऊतक संवर्धन का इंट्रोडक्शन करना है, ठीक है ना। और तो वनस्पति विज्ञान की यूनिट नंबर 3 में ऊतक संवर्धन के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा सुन लो। नियंत्रित एवं निजर्म परिस्थितियों में, क्या बोला बेटा मैंने, नियंत्रित व निजर्म परिस्थितियों में कर्तोतक का उचित पोषक माध्यम पर पात्रे संवर्धन ऊतक संवर्धन कहलाता है, ठीक है बेटा। आगे चलिए, ऊतक संवर्धन की क्रिया का प्रारंभ करने के लिए जिस पादप भाग का उपयोग किया जाता है उसे कर्तोतक कहते हैं। वापस बोल रहा हूं, पहले तो मैं ऊतक संवर्धन की परिभाषा बता रहा हूं। नियंत्रित एवं निजर्म परिस्थितियों में कर्तोतक का उचित पोषक माध्यम पर पात्रे संवर्धन ऊतक संवर्धन कहलाता है, ठीक है। अब कर्तोतक के बारे में सुने, पादप ऊतक संवर्धन का प्रारंभ करने के लिए जिस पादप भाग का उपयोग किया जाता है उसे कर्तोतक कहते हैं। और बेटा कर्तोतक के रूप में पादप कोशिका, पादप ऊतक, अंग या संपूर्ण पादप प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। तो जब आप इस प्रकार से व्यवस्था उत्पन्न कर देंगे तो आपको ना कैलस प्राप्त होगा। क्या होता है बेटा कैलस, असंगठित कोशिकाओं का, असंगठित कोशिकाओं का समुच्चय होता है। असंगठित कोशिकाओं का समुच्चय होता है कौन, कैलस, ठीक है ना बेटा। आगे चलिए, कैलस का विकास हो गया। अब कैलस में प्ररोजनन एवं मूल जनन की क्रियाएं होती हैं, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप नवोद्भिद विकसित हो जाता है। कौन विकसित हो जाता है बेटा, नवोद्भिद। अब इस नवोद्भिद को दृढ़ीकरण व दशानुकूलन की क्रियाओं के पश्चात प्राकृतिक क्षेत्रों में स्थापित कर देते हैं। तो बेटा ये पूरी कहानी हो गई ऊतक संवर्धन की। एक बार मैं पूरी की पूरी कहानी को आपको दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुन लें। देखो सबसे पहले तो आप ऊतक संवर्धन की परिभाषा बोलेंगे, ठीक है। सुनिए क्या परिभाषा है, आप बोलेंगे बेटा कि नियंत्रित एवं निजर्म परिस्थितियों में कर्तोतक का उचित पोषक माध्यम पर पात्रे संवर्धन ऊतक संवर्धन कहलाता है। कर्तोतक क्या होता है, पादप
पादप संवर्धन का प्रारंभ करने के लिए जिस पादप भाग का उपयोग करते हैं वो कर्तोतक होता है। कर्तोतक के रूप में एक पादप कोशिका, ऊतक, अंग अथवा संपूर्ण पादप प्रयुक्त किया जा सकता है। उचित पोषक माध्यम पर कर्तोतक का जब संवर्धन करते हैं तो हमें एक असंगठित कोशिकाओं का समूह प्राप्त होता है जिसे कैलस कहते हैं। ठीक है बेटा, कैलस में प्ररोजनन एवं मूल जनन की क्रियाओं द्वारा नवोद्भिद विकसित हो जाता है। ठीक है, और बेटा ये जो नवोद्भिद है ये दृढ़ीकरण एवं दशानुकूलन के पश्चात प्राकृतिक क्षेत्रों में स्थापित कर दिया जाता है। तो आपको इस पाठ में, ठीक है, ऊतक संवर्धन के बारे में केवल इतना ही जानना है एज इंट्रोडक्शन। ठीक है, आगे चलिए। अवन, पादप जनन की विधि नंबर 3 पढ़ेंगे। अब तक 2 विधि कौन कौन सी पढ़ चुके बेटा? एक तो अपन ने पढ़ ली बहुभ्रूणता, और दूसरी विधि अपन ने कौन सी पढ़ ली? ऊतक संवर्धन। अब अपन तीसरी विधि पे आ गए। तीसरी विधि कौन सी पढ़ेंगे अपन? सूक्ष्म प्रवर्धन। बहुत सरल है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। कम समय व सीमित स्थान पर, सीमित स्थान पर औद्योगिक कह दो, नहीं आर्थिक कह दो, आर्थिक महत्व के पादपों को विकसित करने की तकनीक। आर्थिक महत्व के पादपों को विकसित करने की तकनीक सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। क्या परिभाषा हो गई बेटा सूक्ष्म प्रवर्धन की? एक बार मैं दोबारा से बोल रहा हूं, कम समय व सीमित स्थान पर आर्थिक महत्व के पादपों को विकसित करने की तकनीक क्या कहलाती है बेटा? सूक्ष्म प्रवर्धन। अब अपन इसका महत्व पढ़ेंगे। महत्व, फर्स्ट पॉइंट, औषधीय व्यावसायिक व औषधीय व्यावसायिक एवं पारिस्थितिकीय पादपों की उन्नत किस्मों के विकास हेतु सूक्ष्म प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा सूक्ष्म प्रवर्धन की क्रिया द्वारा रोगमुक्त पादपों का व आर्थिक महत्व के पादपों का, आर्थिक महत्व के पादपों का विकास किया जा सकता है। तो बेटा ये सूक्ष्म प्रवर्धन के बारे में आपने पढ़ लिया। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि केवल एक इंट्रोडक्शन है। ठीक है ना, कैसे बोलोगे, प्रश्न क्या बनेगा बेटा कि भाई सूक्ष्म प्रवर्धन किसे कहते हैं और सूक्ष्म प्रवर्धन का संक्षेप में महत्व लिखिए। ठीक है, तो आप कैसे परिभाषा बोलोगे? कम समय और सीमित स्थान में आर्थिक महत्व के पादपों को विकसित करने की तकनीक सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। देखो, अब कम समय व सीमित स्थान पर आर्थिक महत्व के पादपों को विकसित करने की तकनीक सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। ठीक है, अब इसके 2 महत्व हो गए बेटा। पहला महत्व तो आपके सामने ये लिखा है, ठीक है, कि भाई इस तकनीक के द्वारा
व्यावसायिक, चलो औषधीय कह दो, औषधीय व्यावसायिक एवं पारिस्थितिकीय महत्व के पादपों की, महत्व के पादपों की उन्नत किस्मों का विकास किया जा सकता है। पॉइंट नंबर पहला। दूसरा पॉइंट क्या है? सूक्ष्म प्रवर्धन की क्रिया के द्वारा रोगमुक्त पादप विकसित किए जा सकते हैं, ठीक है ना बेटा। और तीसरी और अंतिम बात कि सूक्ष्म प्रवर्धन की प्रक्रिया के द्वारा आर्थिक महत्व के पादपों का विकास किया जा सकता है। तो बेटा आज आपको मैंने चार प्रश्न समझाए। कौन कौन से चार प्रश्न समझाए? सबसे पहला तो बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है, यूलोफिया नामक ऑर्किड में बहुभ्रूणता किस प्रकार या किस कारण से उत्पन्न होती है, तो तीनों के तीनों पॉइंट लिखने पड़ेंगे। दूसरा प्रश्न मैंने आपको समझाया कि बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, बहुभ्रूणता का महत्व लिखिए, ठीक है बेटा। तीसरा प्रश्न मैंने आपको ऊतक संवर्धन क्या है, इस प्रक्रिया की तकनीक लिखिए, ठीक है ना। और चौथा प्रश्न मैंने क्या बताया कि भाई सूक्ष्म प्रवर्धन किसे कहते हैं और सूक्ष्म प्रवर्धन का महत्व स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अब इस पाठ में केवल एक टॉपिक बचा है, है ना, और वो टॉपिक है असंग जनन। असंग जनन के बारे में कल अपन पूरा का पूरा ख़त्म कर देंगे, है ना। तो बेटा ये पूरा का पूरा पाठ और साथ ही साथ पूरी की पूरी यूनिट ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू।